हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपराजिता प्लांट के बारे में। अगर आपके अपराजिता प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ बढ़ना रुक गई है और बिल्कुल भी उसमें कलियां नहीं आ रही है, तो आपको करना है बस ये एक उपाय। इसमें डालना है आपको एक खाद, प्रत्येक एक वीक में अलग अलग खाद। जैसे आपके शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्लांट को भी अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। आप वीक में इसमें खाद दी, मैंने इसमें अलग अलग तरह की अलग अलग वीक में खाद देती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो इसमें मेरे पहले कलियाँ नहीं आ रही थी, अब इसमें कलियाँ भी आने लग गई है, ये देखिए, और फ्लावर भी खिलने स्टार्ट हो गए हैं। आज फ्लावर खिलने स्टार्ट हो गए। अभी तो प्लांट बहुत छोटा सा है और इसमें यहाँ पर भी फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं, कलियाँ इसमें बनने लगी है और ये फ्लावर आके सूख भी गया है। देखो इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है बढ़ना। तो इसमें वीक में खाद देना स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पर भी कलियाँ आने लग गई है। इसमें मैं वीक में हर बार अलग अलग खाद देती रहती हूँ, कभी इसमें बनाना पील देती रहती हूँ, कभी जो एप्पल खाते हैं तो उसकी जो वेस्ट पार्ट निकल जाते हैं उनको भी मैं गमले में डाल देती हूँ, इससे इनको पोषक तत्व मिलता रहता है। आप भी जो भी आप फल फ्रूट खाएं उनके जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं, जो भी वेस्ट पार्ट निकलते हैं, उनको इस तरह इकट्ठा करके धूप में सुखा लें। और ये जब सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं थोड़े से सूखने के बाद, तो इनको आप प्रत्येक गमले में डाल सकते हैं। ये मैंने एप्पल के थोड़े वेस्ट मटेरियल पार्ट थे जो मैंने कट करके धूप में सुखाने के लिए रख दिए। मैं प्रत्येक जो भी फल फ्रूट खाती हूँ उनके जो भी पार्ट निकलते हैं उनको मैं धूप में सुखा देती हूँ और फिर उनको गमले में डालती हूँ। ये लास्ट टाइम की मेरी नारंगी थी जो जिनके भी छिलके मैंने मतलब रख रखे हैं सुखोने के लिए और ये सूखे हुए हैं, तो इनको भी वीक में या प्रत्येक संडे को मैं इसमें देती रहती हूँ पौधों में, इससे भी इसको पोषक तत्व मिलता रहता है। तो अभी तो मैंने एप्पल खाया है, तो एप्पल के जो वेस्ट मटेरियल निकला है ये, तो इसको मैंने धूप में सुखा ही दिया है। अब इसको मैं प्रत्येक गमले में दे देती हूँ। इससे क्या है, फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट हो जाता है। देखो ये मेरा सदाबहार का पौधा था, इसके भी फ्लावर नहीं आ रहे थे पहले, तो इसमें भी ग्रोथ अच्छी होने लग गई है। अब इसमें भी फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको भी मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। ये पहले मैंने दी थी लास्ट वीक और इस बार भी मैं इसमें डाल देती हूँ और गुड़ाई भी कर देते हैं इसमें थोड़ी सी। इससे क्या है कि ये पोषक तत्व इनको देंगे तो इनमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इसी तरह इसमें भी मैंने डाल दिए हैं, और डालने के बाद गुड़ाई कर दीजिए और करने के बाद इसको फुल सनलाइट में रखिए, बिल्कुल फुल सनलाइट इसको पसंद है। फुल सनलाइट में क्या है, फ्लावरिंग भी आना अच्छा होता है और फ्लावरिंग भी अच्छे से बड़े बड़े फूल आते हैं, देखिए। और ये मेरे मोसिस्टिक का जो जुगाड़ बिठाया है वो देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल झाड़ू से बना रखा है मैंने मोसिस्टिक। आप भी इस तरह का जुगाड़ करके अपने गमले में मोसिस्टिक के रूप में यूज में ले सकते हैं पुराने झाड़ू को भी। और ये फ्लावर स्टार्ट हो गए आना, तो आप भी इस तरह के वेस्ट मटेरियल पार्ट डालते रहिए अपने प्लांट में, पोषक तत्व देते रहिए। और देखिए यहाँ पर भी मैंने दिया है, फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये तुलसा जी है जिसमें भी मैंने वेस्ट मटेरियल पार्ट डाल रखा है, इससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होने लगी है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके फ्रेंड, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।